ऐसा करें कि ड्राइवर के 1 लाख रुपया तनख्वाह होना चाहिए, समझे न। ड्राइवर के 1 लाख रुपया तनख्वाह होना चाहिए। वो ड्राइवर आई वो और बात है कि तो ड्राइवर इंसिडेंट करेगा, वो मरेजी के ले आकर हॉस्पिटल में भर्ती करेगा। अगर वो मरेजी के हॉस्पिटल में भर्ती करेगा तो पब्लिक छोड़ेगा, आके पब्लिक ड्राइवर का मुंगा देगा। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप गृह मंत्री से बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करें, ये जो काला कानून लागू होने जा रहा है केंद्र सरकार में, इसको रोक लगावे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं वीर सिंह अभी मौजूद हूँ बैरिया बस स्टैंड के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में केंद्र सरकार की तरफ से हिट एंड रन मामले केस के लिए एक नया सा नियम लाया गया था, जिसके कारण पूरे भारत में ड्राइवर संघ की तरफ से बहुत बड़ा चक्का जाम किया गया था और एक तरह से आंदोलन का वो रूप लिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो बिल की बात है, जो नियम की बात है, वो अभी भी कंफर्म नहीं हो पाई है कि इस पर रोक लगा है या नहीं। अभी भले ही कुछ दिनों के लिए रोक लगाया गया है, लेकिन इसके अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं होने के कारण अभी भी ड्राइवर लोगों के बीच में हताहत है। तो ड्राइवर लोग का शायद कुछ अगला कदम अपने तरफ से कर उठा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मौजूद है, मैं इनसे बातें करूँगा। जी जी, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब मुद्दे क्या है, मतलब बात क्या है? बात यह है कि बात तो सभी ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं है, सभी अनुसार छाप है। शायद कोई ड्राइवर है कि पढ़ा लिखा है, ठीक है, और सभी अमीर ड्राइवर नहीं है। 100 में 80% गरीब ड्राइवर है। गरीबे आदमी ड्राइवरी करता है या कंडक्टरी करता है या खलासी का काम करता है, ठीक है। और सरकार लागू किया है कि बात वन है दे 10 लाख रुपया और 10 साल सजा है। तो ढली है कि 10 साल सजा ड्राइवर करेगा और 10 लाख रुपया देगा तो वो 10 साल सजा करेगा, उसका बाल बच्चा क्या खाएगा 10 बरस में। कहीं ना कहीं इस नियम पे तो अभी फिलहाल के लिए तो रोक लगा दी गई है ना, तब भी आप लोग क्यों आक्रोशित है? कहाँ लगा है, कौन कहता है कि रोक लगा है? अभी मतलब केंद्र सरकार के तरफ से कहा गया है कि अभी ये नियम पास नहीं हुआ है। जी, सरकारी कानून लागू कर रहा है तो ऐसा करे सरकार की तब 10 लाख रुपया और 10 बरस सजा तो ऐसा करे कि ड्राइवर के 1 लाख रुपया तनख्वाह होना चाहिए, समझे न। ड्राइवर के 1 लाख रुपया तनख्वाह होना चाहिए। वो ड्राइवर आई वो और बात है कि तो ड्राइवर इंसिडेंट करेगा, वो मरेजी के ले आकर हॉस्पिटल में भर्ती करेगा। अगर वो मरेजी के हॉस्पिटल में भर्ती करेगा तो पब्लिक छोड़ेगा, आके पब्लिक ड्राइवर का मुंगा देगा। तो ड्राइवर मर जाएगा तो उसका बाल बच्चा का कौन देगा? तो सरकार है तो उसका बाल बच्चा के 1 करोड़ रुपया दे, उसका बाल बच्चा को कलम चाहिए न जी, मुआवजा चाहिए आ 1 लाख रुपया तनख्वाह चाहिए, तो भी सरकारी कानून लागू करे। तो कहीं ना कहीं आपका ये मांग है। जी सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं अभी केंद्र सरकार के तरफ से अभी तो फिलहाल के लिए इस नियम पे रोक लगा दी गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले अंतर्राज्यीय बस अड्डा की ओर से पूरे देशवासियों को 9 वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूँ। और आप कहने का मतलब ये है, जो हम लोगों को जानकारी हुई है केंद्र में ड्राइवर के प्रति जो कानून लगाने जा रहे हैं केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह के द्वारा, कि एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर को 10 लाख जुर्माना और 10 साल की सज़ा। यदि 10 लाख रुपया ड्राइवर के पास होता वो ड्राइविंग नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, जो कानून बनाया सबसे पहला ड्राइवर वो है। तीसरी बात यह है, ड्राइवर चाहता कि एक चुटी भी नहीं मरे, हमसे अप्रिय घटना नहीं हो, लेकिन गाड़ी है मसनवी चीज़ है, ब्रेक फेल हो जाना, फलना हो जाना, चिल्ला हो जाना, तो ड्राइवर कभी नहीं चाहता कि हमसे अप्रिय घटना हो। ड्राइवर चाहता कि हम बचा के चलें और सुरक्षित होकर चलें। जब ये कानून जब लागू होगा तो पूरे हिंदुस्तान में देशव्यापी हड़ताल करेंगे। और पूरे हिंदुस्तान के मालिक से आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने वफादार ड्राइवर के प्रति आपको रोड पर आना होगा, उसके सरकार के खिलाफ में आपको बोलना होगा। और ये नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही की सरकार ये केंद्र में नहीं चलेगी, इस नियम को लागू नहीं होगा। हमारे अध्यक्ष वहाँ बैठे हुए हैं केंद्र में, दिल्ली में कोई सरदार जी है, नाम उनका हम नहीं जान रहे हैं, वो 200 गाड़ी ट्रक का ओनर है। उन्होंने आश्वासन दिया है पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवर को
यह नियम लागू हम नहीं होने देंगे। हम उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप गृह मंत्री से बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करें, ये जो काला कानून लागू होने जा रहा है केंद्र सरकार में, इसको रोक लगावें, अन्यथा ये बहुत बड़ा भयंकर होगा। यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया, ऐसे लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन ये अमित शाह जी कहते हैं ऐसा कानून बनाने के लिए, मैं उनसे आग्रह करूंगा ऐसा कानून नहीं बनावें, चूँकि वो भी एक ड्राइवर है, उनके पास ही ड्राइवर है, तो हर घर में ड्राइवर एक है और दो चक्का से लेकर 30 चक्का तक वो ड्राइवर ही है, और ड्राइवर कभी नहीं चाहता कि हमसे प्रिय घटना हो। गाड़ी बस नई चीज़ें हो जा रहा, वो बात अलग है। आपकी तरफ से मांगे क्या है सरकार की? मांग है कि इस कानून को लागू सबसे पहला बात गृह मंत्री अमित शाह जी नहीं करें, और नरेंद्र मोदी से मेरा आह्वान है, उनसे आग्रह कर रहा हूँ, इतना बड़ा कानून नहीं लगा दें। यदि इतना बड़ा कानून लगेगा तो ड्राइविंग करना लोग छोड़ देगा। आज 90 करोड़ हिंदुस्तान की जनता है जो मोटर से जुड़े हुए हैं। यदि हिंदुस्तान में मोटर नहीं होता तो 90 करोड़ चूल्हा हिंदुस्तान में नहीं जलती। आज एक गाड़ी खुलता है तो 100 चूल्हा जलती है, एक गाड़ी बंद होता है तो 100 चूल्हा बंद होता है। कहीं ना कहीं मतलब अभी 2 दिनों के लिए जो आप लोगों की तरफ से ऐसा आक्रोशित मतलब व्यवहार किया गया था, चक्का जाम किया गया था, लेकिन उसके बाद तो केंद्र सरकार की तरफ से अभी उस नियम पे रोक लगा दी गई फिलहाल के लिए, तो मतलब आप लोगों का क्या डिमांड है? हम लोग के रोक लगाने के ही डिमांड है, और जो कानून है इसको बंद किया जाए। अभी तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए अभी इस पे नियम पे हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। हमेशा के लिए होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? इसलिए कि इससे बहुत लोग आधारित है, अगर ये चलेगा तो मेरा भी घर चलता है, किसी और का भी चलता है, इधर ठेला वाला है, इधर चाय वाला है, सबका इसी से रोजगार चलता है, मोटर से। अब मोटर अगर बंद हो गया तो सबका बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी सरकार की तरफ से कुछ दिनों के लिए तो बंद कर दी गई थी, तो बंद कर दिया तो चालू ही है, बंद किया कानून लगाना तो भाई तो चालू हो गया, अब फिर अगर कहीं के चालू किया तो फिर बंद हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगर मान लीजिए अगर केंद्र सरकार की तरफ से ये नियम अगर लागू हो जाता है तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम फिर हड़ताल पर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? फिर से आप लोग हड़ताल करेंगे? फिर हड़ताल होगा। अरे गरीब परिवार कहाँ से 10 लाख देंगे जी? 10 लाख देवे का मतलब समझ रहे हैं, 10 बरस सजा भी तो ओकर बाल बच्चा कहीं पाकिस्तान में जाके गिरवी रखाएगा तब ना ये सब कानून चलेगा जी, बताएंगे। मेरा कहना यह है कि यह जो 3 दिन का जो दिवसीय बंद हुआ पूरे हिंदुस्तान लेवल पर, ड्राइवर लोग, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सरकार को मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मोटर में क्या ताकत है, उनको 2 दिन में ही बुझा गया। 2 दिन के अंदर ही वो ड्राइवर के चलते अपना घुटना टेक दिए और उनको बुझा गया, क्या एहसास होता मोटर का। तो कहीं ना कहीं आपने सुना यहाँ जो अभी ड्राइवर लोग हैं उन लोगों का कहना है कि ये जो नियम है जिसको कुछ दिनों के लिए अभी रोक दिया गया है, तो इसको पूरी तरह से इस नियम को मतलब ख़त्म कर दी जाए, इस नियम को लागू नहीं किया जाए, नहीं तो अभी तो फिलहाल 2 से 3 दिन का ये लोग मतलब आक्रोशित प्रदर्शन किए थे, आगे और भी हो सकता है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह, सहयोगी विकास के साथ, पटना।